हेलो एवरीवन, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्री के कुछ सूत्र जो कि बहुत इम्पोर्टेंट से ऐसे छोटे छोटे मैं सूत्र आप बताऊंगा जो आप लोग याद रखिएगा। तो आइए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूत्र। तो सबसे पहले आते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमें याद करना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों का फॉर्मूला शुरू से हम बताएँगे। साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू होता है, उसके बाद पी बटा एच, और उसके बाद साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बटा पी। तो इस प्रकार से ये ट्रिगोनोमेट्री का पहला सूत्र है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच बाय पी। उसी प्रकार से दूसरा स्टार्ट करेंगे, दूसरा होता है टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी होता है, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा इज इक्वल टू, इसी को उल्टा कर देंगे बी बटा पी। उसी प्रकार से कोस थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच बटा बी, यानी कि सब एक्सचेंज होता है, अंश और हर ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू एच बटा पी, और कोसेक का उल्टा कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बटा पी। उसी प्रकार से टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी, और कोट थीटा इज इक्वल टू बी बटा पी। उसी प्रकार से कोट थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच, और सेक थीटा इज इक्वल टू एच बटा बी। तो ये छोटा सा एक आपका सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का ये सूत्र है। तो आगे मैं आप लोगों को फिर बताऊँगा। उसके बाद आता है छोटा सा सूत्र, जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये छोटा सा है, जैसे कि टेन थीटा अगर मान ले बोला जाएगा, सूत्र होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कोस थीटा। उसी प्रकार से टेन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, टेन का उल्टा कोट। तो उसी प्रकार से मान लिया, अभी कोट का फॉर्मूला जानेंगे, कोट थीटा इज इक्वल टू, इसी को ऊपर नीचे कर देंगे, ये भी एक्सचेंज हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे टेन थीटा बराबर साइन बाय कोस, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस बाय साइन थीटा। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो उसी को मान लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो अगर मान लिया इसको हम लोग माइनस के रूप में लाएंगे, तो उसका एक्सचेंज होगा, मैंने साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये वन है, तो कोस को इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ से दो बना। तो उसी प्रकार से मान लिया कोस स्क्वायर का भी निकालना है, तो कोस स्क्वायर थीटा इधर लिखेंगे इज इक्वल टू वन माइनस, ये उधर चल जाएगा क्योंकि साइन के इधर में प्लस है, तो प्लस है, बराबर के इस पार बराबर है यहाँ पर, तो बराबर के इस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, इसलिए ये तो वन ऑलरेडी है, तो वन है, तो ये साइन स्क्वायर जो थीटा है वो इधर हो जाएगा, मतलब बराबर के इस पार हो जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका तीन फॉर्मूला बना, ये एक फॉर्मूला बना, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक तो फॉर्मूला बना, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक तो आपका फॉर्मूला बना।
और उसके बाद आता है अब बाय वाला, जैसे कि मान लें कोसेक, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो उसी प्रकार से मान लें कोसेक का निकालना है तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये सब जो है तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार से इसी को और दूसरे रूप में निकालेंगे सूत्र, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। तो ये तो आपका दो टू फॉर्मूला बना यहाँ से। ये आपका क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो चलिए आइए और क्वेश्चन का फॉर्मूला देखेंगे किस प्रकार से होता है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आए होंगे।